तो इसके पहले वाले दो वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 सेट्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोविंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि इन सब में से कौन से सेट्स होंगे और हमें हमारे आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगेनिंग विद लेटर जे। तो ऐसे कौन से मंथ्स होते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, मींस जिनका स्टार्टिंग लेटर जे होता है। तो वो मंथ्स हो जाएंगे जनवरी, जून और जुलाई। सिर्फ ये 3 मंथ्स है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो अब अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या किसी से भी पूछोगे कि ऐसे कौन से मंथ से जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो वो आपको ये 3 ही बोलेंगे, जनवरी, जून और जुलाई। और इसका मतलब ये होगा कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसीलिए ये एक सेट भी होगा। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया है, और ऐसे ही हम इसके बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है मोस्ट टैलेंटेड, तो अब मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं चेतन भगत, बट हो सकता है आपको कोई और राइटर पसंद हो। तो आपके लिए टॉप 10 राइटर्स कुछ अलग होंगे और मेरे लिए कुछ टॉप 10 राइटर्स अलग होंगे। इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर राइटर की जगह कोई क्रिकेटर होता, तो हो सकता है किसी को विराट कोहली पसंद होता या हो सकता है किसी को धोनी पसंद होता। हम टैलेंट को डिफाइन नहीं कर सकते, हर किसी के लिए कोई अलग पर्सन टैलेंटेड हो सकता है, और इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्रुप है, ये जो कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, और इसीलिए ये एक सेट भी नहीं होगा। और थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर यूज़ किया है बेस्ट वर्ल्ड का, और अभी मैंने आपको यहाँ पर क्रिकेटर का एग्जाम्पल भी दिया। तो सेम ऐसे ही सबके फेवरेट बैट्समैन अलग अलग हो सकते हैं, तो इसका आंसर भी सबके लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब कि ये ग्रुप भी, ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है, और इसीलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो अब यहाँ पर अगर मैं अपने क्लास के सभी बॉयज का एक सेट बनाऊँ, और फिर मैं अपने किसी फ्रेंड के पास जाकर ये बोलूँ कि वो भी मेरे क्लास के सभी बॉयज़ का एक सेट बनाए, तो उसका और मेरा सेट सेम होगा, क्योंकि उसके सेट में भी मेरे क्लास के सभी बॉयज़ होंगे और मेरे सेट में भी मेरे क्लास के सभी बॉयज़ होंगे। अब अगर आप इस सिचुएशन में किसी ऐसे इंसान को सेट बनाने के लिए बोले जो आपको जानता ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में बात अलग होंगी, क्योंकि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। बट आपके क्लास के बॉयज़ एक वेल डिफाइंड सेट होंगे, क्योंकि आपके क्लास के बॉयज़ तो सेम ही होंगे, तो इसीलिए ये भी एक सेट होगा। फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो अब यहाँ पर 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स है हम उन्हें लिख लेंगे। तो अब 100 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1, 2, 3 अप टू 99। 100 से कम बोला है तो हम 100 को मेज़र नहीं करेंगे, हम यहाँ पर 100 को नहीं लेंगे। तो अब अगर आप किसी को भी बोलोगे कि वो आपको 100 से कम नेचुरल नंबर्स का एक सेट बना कर दे या फिर एक ग्रुप बना कर दे, तो वो भी आपको यही सेट बना कर देंगे, 1, 2, 3 अप टू 99। मीन्स नेचुरल नंबर्स तो सबके लिए सेम ही होते हैं, और अभी हमें यहाँ पर 100 से कम नेचुरल नंबर्स को लिखना है, तो ये भी सबके लिए सेम ही होंगे, तो इसीलिए ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और इसीलिए ये सेट भी होगा। सिक्स्थ है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो अब यहाँ पर नॉवेल्स का कलेक्शन है जो लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मुंशी प्रेमचंद कौन है वो पता नहीं होगा, बट जैसा कि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया है कि ये एक राइटर है और हमें यहाँ पर इनके नॉवेल्स का कलेक्शन बनाना है, तो अब इन्होंने जो नॉवेल्स लिखी है वो तो सबके लिए सेम ही होंगी। अगर आप इसे गूगल पर सर्च करोगे अ कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो सबको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। इसका मतलब कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और इसीलिए ये भी सेट होंगे। तो सेवेंथ है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो अब इवन नंबर्स तो सबके लिए सेम ही होंगे, मीन्स ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है,
और इसीलिए ये भी सेट होंगे। एट ए कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मीन्स इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का एक कलेक्शन। तो ये कलेक्शन भी सबके लिए सेम होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सबके पास जो एनसीईआरटी की बुक होंगी उसमें सेम ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा और इसीलिए ये भी एक सेट होगा। और इस क्वेश्चन का लास्ट प्रॉब्लम है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। तो अब मोस्ट डेंजर एनिमल्स, तो हो सकता है किसी को लायन से डर लगता हो, और ये भी हो सकता है कि कोई एक लिजार्ड से डर जाता हो, या हो सकता है कि किसी को लायन से भी डर नहीं लगता हो। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, मीन्स आप सबके लिए ही सबसे डेंजर एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और इसीलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं दिया है लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी एलिमेंट्स है एक सेट ए के। और इसके आगे हमें दिया है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स, हमें यहाँ पर दो सिंबल्स दिए हैं इन द ब्लैंक स्पेस। तो अब ये दो सिंबल्स कौन से है, तो इसमें से फर्स्ट जो सिंबल है वो है बिलोंग्स टू का, मीन्स उस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, और सेकेंड जो सिंबल है वो है नॉट बिलोंग्स टू का। तो हमें यहाँ पर इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स दिए हैं इसमें हमें यहाँ पर कुछ स्पेस दी है, और अगर ये एलिमेंट सेट ए में हैं तो हम वहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन लिख देंगे, और अगर वो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग नहीं करता है तो हम उधर नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लिख देंगे। तो हमें बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। तो फर्स्ट है 5, तो जैसा कि आप यहाँ पर ही देख सकते हैं इस सेट में 5 है, तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू लिख देंगे। सेकेंड है 8, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सेट में कहीं पर भी 8 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड है 0, तो 0 भी इस सेट में नहीं है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ है 4, और 4 इस सेट में है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। और फिफ्थ है 2, तो 2 भी इस सेट में है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बिलोंग्स टू का साइन। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो अब यहाँ पर रोस्टर फॉर्म क्या होता है, हम लिस्टिंग मेथड को ही रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म सेम ही होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें यहाँ पर दिया है ए इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज एन इंटीजर, एक्स यहाँ पर एक इंटीजर है, और एक्स माइनस थ्री के इक्वल है या फिर माइनस थ्री से ग्रेटर है बट लेस देन है 7 के। तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो हमें यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर x एक इंटीजर है, इंटीजर मीन्स यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। आगे हमें दिया है कि x इक्वल हो सकता है माइनस थ्री के, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट आ जाएगा माइनस थ्री के, और हमें यहाँ पर दिया है कि माइनस थ्री से ग्रेटर हो सकता है, तो माइनस थ्री से ग्रेटर क्या होगा, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। अब यहाँ पर सिक्स तक ही नंबर्स इसीलिए आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आगे दिया है कि ये लेस देन होगा 7 के, तो ये 7 से कम होगा तो हमने यहाँ पर 7 नहीं लिखा है, 7 से कम होता है 6, तो ये 6 तक ही आ जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के। अब हमें यहाँ पर इसे लिस्टिंग या फिर रोस्टर मेथड में लिखना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो अब हम इसका सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड में हमें दिया है बी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइटी तक होते हैं, बट हमें यहाँ पर दिया है लेस देन 6, तो लेस देन 6 क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के, और यहाँ पर हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 तक ही हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लेस देन 6 है तो हम 5 तक ही लिखेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व होता है। थर्ड में हमें यहाँ पर दिया है सी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज अ 2-digit नंबर सच दैट इट्स सम इज 8। तो यहाँ पर इसके जो एलिमेंट्स है वो सभी 2-digit नंबर्स है, और ये ऐसे 2-digit नंबर होंगे जिनका सम होता है 8। तो अब
टू डिजिट नंबर है तो ये 11 से लेके 99 तक हो सकते हैं और इनका सम होगा 8। तो ऐसे नंबर कौन से है? फर्स्ट है 17, यहाँ पर 1 प्लस 7 हो जाएगा 8 और 17 का हम अपोजिट करेंगे मीन 71, तो ये भी आ जाएगा 7 प्लस 1 8। फिर 2 प्लस 6 8 होता है और ऐसे ही 6 प्लस 2 भी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और 62। ऐसे ही 3 प्लस 5 भी 8 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और 5 प्लस 3 भी 8 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 53। अब यहाँ पर 4 प्लस 4 भी 8 होता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 44 और लास्ट हो जाएगा 80। 8 में हम 0 ऐड करेंगे तो ये 80 रहेगा। तो इतने ही टू डिजिट नंबर्स होते हैं 11 और 99 के बीच में, जिनका अगर हम सम करें, जिनका हम एडिशन करें तो हमें 8 मिलेगा। तो यही सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के, तो सी इक्वल आ जाएगा 17, 71, 26, 62, 53, 35 और 80 के। फिफ्थ में हमें दिया है d इज इक्वल टू x एंड x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो यहाँ पर x एक प्राइम नंबर है और वो 60 का डिवीजर भी है, मीन 60 का फैक्टर भी है। तो हो सकता है आपको ये सुनने में थोड़ा हार्ड लग रहा हो, बट ये बहुत ज़्यादा इजी है। सिंपली 60 के फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। तो 60 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 230 आ जाएगा 60, फिर 215 आ जाएगा 30, 35 आ जाएगा 15 और 51 आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले दो वीडियोज़ में भी बताया था, हम सेट्स में किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 2, 3 और 5 और इसे हम लिख लेंगे d इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5। फिफ्थ है e इज इक्वल टू x एंड x इज ऑल लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग तो सबको आती होंगी और नहीं भी आती होंगी तो यहाँ पर दी गई है। तो सिंपली हम यहाँ पर इस स्पेलिंग में से दो बार किसी वर्ड को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर T दो बार आता है, O दो बार आता है और R दो बार आता है, तो इन सब वर्ड्स को हम एक ही बार लिख लेंगे और ये सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट के। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा TRIOGNMEY, ये सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट E के। और इसके लास्ट प्रॉब्लम में भी ऐसा ही दिया है, हमें बेटर वर्ड्स के लेटर लिखना है। तो ये बिल्कुल सेम है, ये एज इट इज़ ही है। यहाँ पर भी आपको जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये सेट सेट बिल्डर मेथड में दिए थे, मीन सेट बिल्डर फॉर्म में दिए थे और हमें लिस्टिंग या फिर रोस्टर फॉर्म में उसे लिखना था। अभी यहाँ पर हमें ये एलिमेंट्स दिए हैं रोस्टर फॉर्म में और हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 3, 6, 9 और 12। अब सेट बिल्डिंग मेथड या सेट बिल्डिंग फॉर्म क्या होता है ये मैंने आपको हमारी पिछली दो वीडियो में बताया था। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने ये दोनों भी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन दोनों वीडियोस को जाकर देखिए, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाएंगे। तो अब सेट बिल्डिंग मेथड में हम यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो 3, 6, 9, 12। अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 3 का टेबल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3, 6, 9, 12 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 3n और यहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को हम इस कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी एक कैपिटल n दिखता है, इसका मतलब वहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। और हाँ, हमें यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें 3 का टेबल 1 से 4 तक दिया है तो ये नेचुरल नंबर भी इक्वल और ग्रेटर देन होंगे 1, बट लेस देन और इक्वल टू होंगे 4 के। तो अब यहाँ पर सेकेंड में दिया है 2, 4, 8, 16, 32। तो अब यहाँ पर ये 2 का टेबल नहीं है, बट अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट है 2 की पावर 1, मीन्स 2 की पावर 1 मीन्स 2 ही हो जाएगा, 2 की पावर 2 मीन्स हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 मीन्स हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 और 2 की पावर 5 आ जाएगा 32। तो इसीलिए यहाँ पर 2, 4, 8, 16 और 32 ये सभी इक्वल हो जाएंगे x के और x यहाँ पर इक्वल होगा 2n के और यहाँ पर जो 2 के ऊपर n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को,
जैसे कि हमने इसके फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में भी देखा था। और सिमिलरली हमें यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें 2 की पावर सिर्फ 1 to 5 ही शो करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो नेचुरल नंबर्स है वो इक्वल और ग्रेटर देन होंगे 1, बट इक्वल और लेस देन होंगे 5। तो हमने सेकेंड वाले प्रॉब्लम को भी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है, लिख लिया है। अब हम इसका थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है सेकेंड प्रॉब्लम के, सिर्फ हमें यहाँ पर 4 ही नंबर दिए हैं और ये सारे 5 की पावर होंगे। तो ये भी आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर इसके पहले वाला प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा तो। और फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है या फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को वहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने डाउट्स हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगी, या फिर आप सिंपली कमेंट भी कर सकते हैं, और ये सभी कुछ बिल्कुल फ्री है। तो अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम को। तो फोर्थ प्रॉब्लम है 2, 4, 6 to infinity, ये नंबर्स ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इन नंबर्स को देख के तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि ये सभी इवन नंबर्स है, बट अगर हम इन्हें इवन इंटीजर्स बोलेंगे तो इसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, इसीलिए ये होंगे इवन नेचुरल नंबर्स। तो 2, 4, 6 to infinity ये सभी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, इसीलिए ये इक्वल होंगे x के और x इक्वल होगा इवन नेचुरल नंबर्स के। और इसका लास्ट मीन्स फिफ्थ प्रॉब्लम है 1, 4, 9 up to 100। तो अब इस वाले प्रॉब्लम में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ दिख रही होंगी और कुछ को नहीं भी दिख रही होंगी। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, मीन्स ये 1, 2, 3 up to 100 सभी के स्क्वायर्स होंगे। और हाँ, यहाँ पर 100 का स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, मीन्स यहाँ पर 1 to 10 के सभी स्क्वायर्स होंगे और यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो 1 to 100 होंगे। तो 1, 4, 9 up to 100 ये सभी इक्वल हो जाएंगे x के और x इक्वल होगा n स्क्वायर के। यहाँ पर n फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पर n जो होंगे वो सभी नेचुरल नंबर्स होंगे और ये सभी नेचुरल नंबर्स इक्वल टू और ग्रेटर देन होंगे 1, बट इक्वल टू और लेस देन होंगे 10। यहाँ पर सिर्फ हमें 1 to 10 नंबर्स ही चाहिए। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन के भी सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो हमें यहाँ पर कुछ सेट्स दिए हैं और हमें इन सेट्स के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि वो इन सभी सेट्स के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट में हमें दिया है a इज इक्वल टू x एंड x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो सभी ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो वो हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9 up to infinity। बहुत ज़्यादा इजी था ये प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है b इज इक्वल टू x एंड x इज एन इंटीजर दैट इज़ ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। तो यहाँ पर x एक इंटीजर है, मीन्स वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब वो बड़ा है -1/2 से, तो अब यहाँ पर -1/2 क्या होगा? 1/2 मीन्स हो जाएगा हाफ, हाफ मीन्स हो जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा -0.5। और 9/2 क्या हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा 4.5। हमें जो इंटीजर यहाँ पर दिया है वो -0.5 से बड़ा होगा और 4.5 से छोटा होगा। तो -0.5 से बड़ा होगा 1, 2, 3 और 4। अब इसके आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि इसके आगे आ गया है 4.5, तो ये जो नंबर होंगे वो 4.5 से छोटे ही होंगे। तो ये सभी इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। तो अब हमें यहाँ पर थर्ड में दिया है c इज इक्वल टू x एंड x इज एन इंटीजर वेयर x स्क्वायर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 4। तो अब हम यहाँ पर x की जगह पर कोई भी नंबर पुट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पर कोई भी का मतलब ऐसा है कि वो नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 से कम आना चाहिए या 4 के जितने ही आना चाहिए। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 1 ही, मीन्स ये भी 4 से कम है। और अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा,
तो ये भी 4 के इक्वल ही आएगा। और इसी तरह अगर हम -1 का और -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो यही सभी इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1, -1, 2 और -2। तो फोर्थ में हमें दिया है डी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। तो अब लॉयल में एल दो बार है तो यहाँ पर सिर्फ एल एक ही बार होगा, बाकी सब एज इट इज होगा। ये सभी इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिफ्थ में हमें दिया है ई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसे जितने भी मंथ से जिनमें 31 डेज नहीं होते वो सभी इस सेट में आ जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस आपको चाहिए होगा एक कैलेंडर, और वो आजकल तो मोबाइल में भी होता है, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही पता है। वो मंथ्स हो जाएंगे फेब्रुवरी, अप्रैल, सितंबर, नवंबर और जून। तो यही हो जाएंगे इस सेट के एलिमेंट्स। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन के लास्ट मीन्स सिक्स्थ प्रॉब्लम में हमें दिया है f इज इक्वल टू x एंड x इज अ कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसाइड्स k। मीन्स के पहले वाले जितने भी वर्ड्स है इंग्लिश में सबको हम लिख लेंगे, बट यहाँ पर हमें दिया है कंसोनेंट, मीन्स यहाँ पर हम वॉवेल्स को नहीं लिखेंगे। मीन्स के पहले जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं इंग्लिश में उसमें से हम वॉवेल्स को निकाल देंगे। वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम ए नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे और बाकी सारे लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे वॉवेल्स को छोड़कर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द पेयर। तो ये मैच द पेयर काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसे भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश करो इसे खुद सॉल्व करने की, बट मैं इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है आपने ट्राई ज़रूर किया होगा। तो अब हम इस मैच द पेयर को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में हमें यहाँ पर दिया है 1, 2, 3, 6। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में दिया है प्राइम नंबर्स एंड डिवीज़र ऑफ 6। तो अब यहाँ पर ये 6 के डिवीज़र तो है बट ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं हैं। जैसे यहाँ पर 6 प्राइम नंबर नहीं है और 1 प्राइम नंबर नहीं है तो ये तो नहीं होगा। सेकंड हमें दिया है ऑड, तो यहाँ पर ऑड आ गया, तो ये सारे नंबर्स तो इवन है। मीन्स यहाँ पर 3 ऑड है बट यहाँ पर 2 और 6 इवन भी तो है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में हमें दिया है नेचुरल नंबर्स एंड डिवीज़र ऑफ 6, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स भी है और 6 के डिवीज़र भी है, तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। सेकंड में हमें दिया है 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है, 2 और 3 प्राइम नंबर्स है और 6 के फैक्टर्स भी है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट। थर्ड में हमें मैथमेटिक्स के हाथ दिए थोड़ी स्पेलिंग दी है, और लास्ट वाले पेयर में हमें मैथमेटिक्स के सारे लेटर्स दिए हैं, तो ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे इसी सेट के। तो थर्ड का हो जाएगा फोर्थ, और इसी तरह फोर्थ का जो यहाँ पर बचा वही हो जाएगा। जैसे फोर्थ हमें यहाँ पर दिया है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सारे ऑड नंबर्स है और ये सभी 10 से कम है, हमें यहाँ पर 9 तक ऑड नंबर्स दिए हैं, तो इसका हो जाएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड में ये दिया है यहाँ पर एक्स इक्वल है सभी ऑड नंबर्स के जो 10 से कम हैं। तो हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं और आप इसी तरह मुझसे क्लास 11 का मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन एनिमेटेड वीडियोज़ को देख पाए। और अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी और कमेंट बॉक्स में तो आप सिंपली पूछ ही सकते हैं, और या फिर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें यहाँ पर दे सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ।